Assalamualaikum YouTube family, welcome to another day, another vlog. उम्मीद है कि आप सब हर गेचे होंगे. तो आज के इस वीडियो में मैंने पिछले कुछ एक महीने के एडिट्स हैं जिनको छोड़ के ये एक व्लॉग बनाया है. सो आई होप आई डिडंट मैस इट अप और यू ऑल विल एंजॉय वॉचिंग इट. तो व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है कि ये आई गेस ईद वाले दिन के हैं या शायद उससे एक दिन पहले की वीडियो है. यहाँ पे हम खाना पैक करके भाई को पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं बिकॉज ही लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी. वो ओसाका में रहते हैं ड्यू टू यूनिवर्सिटी और क्योंकि एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से वो ईद पे नहीं आ सके. तो ये स्पेशली उनकी फरमाइश पे मामा ने ये सारा खाना बनाया है. और ये जो ऊपर बॉक्स है इसमें वो केक है जो मैंने अपनी नीस के साथ बनाया था. तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें. आई एम श्योर कि आप सबको ये केक ज़रूर पसंद आएगा बिकॉज माई ब्रदर्स दे लव दिस केक. तो पोस्ट करने के बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. मौसम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं, और खूबसूरत सा नेचर है. तो क्योंकि ईद है एंड ग्रोसरी शॉपिंग इज़ मस्ट, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग का भी एक पूरा सेपरेटली व्लॉग बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. यहाँ पे एक्सपेक्ट स्पेसिफाइड होती हैं ग्रोसरी शॉपिंग ग्रोसरी स्टोर्स जहाँ पे हलाल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और ये फिर आई थिंक चांद रात वाले दिन वाओ न्यू वर्ड. तो उस दिन का व्लॉग है ईद से एक दिन पहले का. यहाँ पर हम कपड़े लेने आए हैं भाई के लिए जो मेरा छोटा भाई है. आई लाइक दिस ब्लैक ड्रेस लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर और ऊपर से ईद भी है तो ब्लैक इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. तो यहाँ पे उनके कपड़े डिसाइड हो रहे हैं कि कौन से लिए जाएँ. अच्छा यहाँ पे वी आर लाफिंग एट दिस शर्ट क्योंकि इस पर चक्की बना हुआ है और उसने हाथ में छुरी भी पकड़ी हुई है. सो वाज टेलिंग माय मॉम कि ये लेते हैं भाई के लिए बिकॉज क्योंकि बकरा ईद है सो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट क्योंकि हर किसी ने हाथ में छुरी पकड़ी होगी. तो या ये जो ड्रेस है ये मैंने लिया था. मॉडर्स्ट ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाते हैं लेकिन अगर ना भी हों तो विल क्रिएट वन. तो ये जीन्स का ड्रेस था, इसके नीचे अगर वाइट शर्ट पहन ली जाए, कोई किसी भी कलर की शर्ट आप ऊपर पहने तो वो साथ स्लीव्स हो जाएंगे बिकॉज आई ड्रेस मॉडेस्टली. तो दिस इज़ द ड्रेस दैट आई बॉट. और इसके बाद इसी के साथ एक स्टोर है जहाँ पे बच्चों के भी होते हैं कपड़े. तो यहाँ पे हम अपनी नीस के लिए लेने आए थे. एंड लुक एट दिस क्यूट किमोनोस. तो किमोनो बेसिकली एक जापनीज ड्रेस होता है जो कि समर में स्पेशली पहनते हैं ये लोग और अब तो बहुत ही कम पहनते हैं लेकिन अगर कोई फेस्टिवल हो तो फिर ये पहना जाता है ड्रेस. सो दिस वाज वेरी क्यूट. ये ईद से कुछ दिन बाद की वीडियो है. ये यहाँ का द फेमस कन्वीनियंस स्टोर, इसके आपने शायद कुछ वीडियोस देखी भी होंगी इंस्टाग्राम वगैरह पे. लेकिन अगर फिर भी आप इसका डिटेल में एक व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई विल गिव यू द कम्प्लीट व्यू अबाउट दिस स्टोर. 7-Eleven जो दूसरे कन्वीनियंस स्टोर हैं उसकी बनिस्बत यहाँ पे कुछ हलाल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पे हम स्नैक्स की शॉपिंग करने के साथ साथ हमने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी जिसकी पेमेंट करने के लिए आए थे. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट जापान कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करनी आप इस तरह जाकर कन्वीनियंस स्टोर पर भी पेमेंट कर सकते हैं. Korean dish and this sauce. Awesome. ये मुहर्रम के शुरू के दिनों की वीडियो है. यहाँ पे हम वॉक करने के लिए गए थे एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल मून ऑफ मुहर्रम. और बहुत जल्द मुहर्रम से रिलेटेड एक मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, अभी मैं उसको एडिट कर रही हूँ. तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिकॉज इन दैट वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब उसको ज़रूर देखिएगा. यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी. तो यहाँ पे वॉक करते करते वी मत दिस कार, शुक्र इस पर नज़र पड़ गई थी. अंधेरा इतना नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा ही शाम था एंड ऑनेस्टली वी गॉट स्केयर्ड. और इसको देख के हमने वॉक ही ज़्यादा चेंज कर लिया है. जापान में गर्मियों में स्पेशली ये रोड साइड पे निकल जाते हैं सो यू हैव टू बी केयरफुल इफ़ यू लिव इन जापान. ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल. बट द वियर्ड थिंग इज़ कि जापानीज़ लोगों को शाम से डर नहीं लगता. बहुत कम लोग होते हैं जो डरते हैं शाम से.
तो यहाँ से अभी दो तीन लोग वॉक करके गए भी हैं एंड दे डिड नॉट गेट स्केयर्ड. तो इट्स वियर्ड. और उसके बाद आप देख सकते हैं किसी ने किटी की चेन, बैक चेन दर्द के साथ हैंग की हुई है और इसे भी देख के आई गॉट स्केयर्ड क्योंकि इसमें हॉरर मूवीज में होता है. तो हमने बस वॉक का इरादा चेंज कर लिया है और यहाँ से हम स्टोर पे आए हैं कुछ सन प्रोटेक्शन बाय करने. तो ये यूवी क्रीम है, साथ में स्किन लोशन है और ये वेट वाइप्स हैं जो कि गर्मियों में यूज़ की जाती हैं स्पेशली और यहाँ पे बहुत कॉमन है. आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तान या फिर दूसरी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में मिलती होंगी. अगर मिलती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बिकॉज मैंने नहीं देखी. तो इसका भी एक व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा, तो ये कुछ दिन पहले की वीडियो है. ये यहाँ पे मैंने डोनट्स बनाए थे और उनकी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. सो इट इज़ ए कम्प्लीट हेडेक जिस तरह से खाना रखना है, किस तरह उसका एंगल आना चाहिए, किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो या आई मेड द वीडियो लेकिन अभी एडिट करना बाकी है. सो यू हैव टू वेट एंड या आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ. पर या विल सी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट गाइस, डोंट वरी. ये 10 मुहर्रम की वीडियो है. यहाँ पे हमने रोज़ा रखा हुआ था तो इफ्तारी का वेट कर रहे हैं. तो ये इफ्तारी के टाइम की बेसिकली वीडियो है. ये जो हमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर्स दिए थे वो आज आ चुके हैं और आज हमने जाना था दावत पे. तो वहाँ पे भी इनमें से कुछ गिफ्ट्स लेके जाने थे. दावत का व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और ये कल की बेसिकली वीडियो है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है. कल आज सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी. तो या इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. वैसे बारिश में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, तो अगर आपके वहाँ बारिश हो तो दुआ ज़रूर मांगिएगा. एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माय वीडियो. इंशाल्लाह जल्द ही मैं नेक्स्ट व्लॉग भी अपलोड करूँगी. सो अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़.